आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल मसाला पास्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसमें मैंने बहुत ही कम चीज़ों का यूज किया और बहुत ही टेस्टी पास्ता बनके तैयार हुआ है। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप पास्ता ले लिया। आप चाहें तो मैक्रोनी, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, सेम ही होता है, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। पानी को उबलने देते हैं, पानी उबल रहा है, अब हम इसमें पास्ता को डाल देंगे। अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे बॉयल कर लेंगे ताकि पास्ता अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इधर मैंने मसाले बनाने के लिए पैन रख दिया, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल देंगे। लहसुन को 1/2 से 1 मिनट के लिए पका लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन पक गए, अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे और साथ में ही हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे प्याज जब तक सॉफ्ट होता है। यहाँ देख सकते हैं पास्ता भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसे मैंने पानी से अच्छे से छान के निकाल दिया है और यहाँ प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। ये मैंने मैगी मसाला का एक पैकेट लिया है, 5 रुपये वाला पैकेट है, इसे हम डाल देंगे। मैगी मसाले से पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 1 पिंच के लगभग इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ में ही हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, बहुत ज़्यादा गरम मसाला ना डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। मैगी मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाले हमारे बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इसमें बॉयल किए हुए पास्ता को डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और पास्ता मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पास्ता बनके तैयार हो गया। बहुत ही कम समय में झटपट बनके तैयार हो जाता है, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।